Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. भारत के संविधान का निर्माण करने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। आज के दिन को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। भीमराव रामजी अंबेडकर हमारे राष्ट्र के नायक और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनको बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपना जीवन पिछड़े वर्गों के न्याय, समानता और अधिकारों के लिए लड़ने में बिताया। वह एक न्यायवादी, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, मानवतावादी, लेखक, दार्शनिक और सभी समाज सुधारकों से कई ऊपर थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री रहे। वे भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्तित्व और हमारे राष्ट्र के सच्चे नायक हैं। जब अंबेडकर जी को चुकानी पड़ी अपनी जाति की कीमत, बात 1901 की है। 9 साल के अंबेडकर अपने भाई के साथ पिता से मिलने सतारा से कोरेगांव गए। स्टेशन पर बैलगाड़ी वाले ने उन्हें बिठाने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर राजी हुआ तो दुगने किराए पर, और यह शर्त रखी कि अंबेडकर अपने भाई के साथ बैलगाड़ी चलाएंगे और वह साथ पैदल चलेगा। यह बात 9 वर्ष के अंबेडकर के मन में घर कर गई। शायद वह समाज की इस कुप्रथा से पहले मिला नहीं था। समय बदलता गया, लेकिन समाज का नजरिया और परिस्थिति तस से मस न हुई। साल 1945 में जब अंबेडकर जी वायसराय की काउंसिल के लेबर सदस्य थे, तब अंबेडकर जी को ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में इसीलिए प्रवेश नहीं करने दिया गया क्योंकि वे एक महार जाति से आते थे। आप सबको यह सुनकर हैरानी होगी कि अंबेडकर तो भारत के चुनावी सिस्टम से कुछ खास खुश नहीं थे। उनका मानना था कि 5 साल बाद ऐसे चुनाव होने का क्या फायदा जिसमें जनता अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट भी नहीं कर सकती, क्योंकि चुनाव में कैंडिडेट के बजाय पार्टी का चौन निशान देखकर वोट डाला जाता है। ऐसे में लोग शायद ये भी नहीं देख पाते कि बैल के चौन निशान पर असल में गधा चुनाव लड़ रहा है। And our electoral system, you see, is of a sort which never allows a man to choose the candidate. अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है क्योंकि वे संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। यह भी कहा जाता है कि संविधान के चलते ही भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था काफी मजबूत बनी हुई है। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। उनके कथनों के आईने में देखें तो आज हम पाते हैं कि संविधान का अनुपालन कराने की शक्ति ऐसी राजनीति के हाथ में चली गई है जिसका खुद का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, और जो लोकतंत्र की सारी सहूलियतों को अपने नाम करके लोकतंत्र के खात्मे के लिए इस्तेमाल कर रही है। संविधान की आत्मा को मार देने के उद्देश्य से वे बार बार उसकी समीक्षा का प्रश्न उछालती है, तो उसकी शह प्राप्त विभिन्न विरोधी सत्ताएं उसके अतिक्रमण पर उतरी रहती है। यह अतिक्रमण मुमकिन नहीं होता अगर बाबा साहेब की भारतीयता की यह अवधारणा स्वीकार कर ली होती। कुछ लोग कहते हैं कि हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान। मुझे यह स्वीकार नहीं। मैं चाहता हूं कि लोग पहले भी भारतीय हों और अंत तक भारतीय ही रहें, भारतीय के अलावा कुछ भी ना हो। दरअसल वे देश में ऐसा समाजवाद चाहते थे जो सबके लिए हो, और हम उनका यह जन्मदिन मना रहे हैं तो हमारा पाला ऐसे लोगों से पड़ा हुआ है जिन्हें यह शब्द संविधान की प्रस्तावना में भी स्वीकार नहीं।